कैसे आप सब दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे जो स्ट्रॉम 70i कूलर है उसकी जो मोटर है वो कॉपर है या एलुमिनियम है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज एक ध्यान रखें, अगर आप सिम्फनी का कूलर खरीद रहे हैं तो आपको ये श्योर होना पड़ेगा कि उसमें आपको एलुमिनियम नहीं कॉपर ही मिलता है मोटर के अंदर। तो दोस्तों हम इस वीडियो के अंदर आपको स्ट्रॉम 70i को और स्ट्रॉम 70i कूलर की मोटर को ओपन करके और बंद करके दिखाएंगे और साथ साथ ये दिखाएंगे कि ये कॉपर वाइंडिंग है या एलुमिनियम वाइंडिंग है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और जिस किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बिना सब्सक्राइब करे मत जाना। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं स्ट्रॉम 70i मोटर की तरफ। तो दोस्तों ये है वो स्ट्रॉम 70i की पुरानी मोटर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये आप देख सकते हो सिम्फनी स्ट्रॉम 70i। और ये दोस्तों इसकी रेटिंग्स तो आपने पहले ही पढ़ी हुई है। अब कमेंट्स हमारे पास जो आए थे वो ये थे कि जो 70i की स्ट्रॉम 70i की जो मोटर है तो उसमें ये अपना जो इसकी जो वाइंडिंग होती है वो कॉपर है या एलुमिनियम। तो दोस्तों एक्चुअली मैं तो इसको आप खोलने के बाद भी नजर आया, क्योंकि यहां से जो गैप आप देख रहे हो इस गैप में भी साफ नजर नहीं आ रहा है कि कॉपर है या एलुमिनियम है। तो इसमें भी दोस्तों देखो साफ नजर नहीं आ रहा है प्रॉपर। तो इसको हम खोल लेंगे एक बारी, फिर हम देखते हैं इसमें कि इसमें कॉपर है या एलुमिनियम है। वैसे दोस्तों जिस हिसाब से इसका वेट है, जहां तक मुझे लगता है इसमें 2 या 2.5 किलो वेट होगा, उस हिसाब से तो कॉपर ही लगता है। बाकी हम एक बार खोल के इसको चेक कर लेते हैं कि क्या निकलता है इसके अंदर और इसमें बुश और शाफ्ट किस टाइप की होती है। तो चलिए दोस्तों इसकी हम ओपनिंग करते हैं। तो दोस्तों खोलने के लिए इसमें हमने नीचे के ये 4 स्क्रूज हैं, ये आप देख रहे हो, पहले इनको खोल लेते हैं। ये तो काफी इजीली खुल गया है नीचे से, ये क्या तकड़ा आ गया। तो ये दोस्तों ये हमने यहां से तो ये दोस्तों इसका माउंट प्लेट जो है ये बाहर आ जाएगा ऐसे करके, जो आप इसको खींचोगे। तो ये दोस्तों बाहर आ चुका है। ये जो आप देख रहे हो उसमें काफी रस्ट जंग लगी हुई है इसके ये वाले नट्स में। खैर हम इसे भी खोलेंगे। तो इसमें हम ऑयल डाल देते हैं पहले थोड़ी देर के लिए, ताकि जो इसकी रस्ट है वो थोड़ी सी बच जाए, आसानी से स्क्रूज हमारे खुल जाए। दोस्तों जो ऑयल हमने डाला था वो पहुंच चुका है, अब हम इसको खोलते हैं। चलो ये खुल गया इजीली। ये भी खुल गया दोस्तों इजीली। ये थोड़ा हार्ड है पर ये भी खुल ही गया है। अभी हमारा फाइनल स्क्रू, तो
ये भी खुल चुका है। अब हमें इनको, तो दोस्तों ये जो चारों स्क्रूज खुलने के बाद आप देख रहे हो, ये पूरा एक बोल्ट है। ये देखो, ये यहां से ऐसे करके ये बाहर आ जाएगा ऐसे ही। दोस्तों ये इधर का है, पर ये थोड़ा हार्ड है, जंग लगी पड़ी है, तो इसलिए हमें इसको हल्का हल्का ऐसे प्रेस करके निकालना पड़ेगा। ये भी दोस्तों बाहर आ गया है। ये भी दोस्तों बाहर आ गया है। और ये भी दोस्तों बाहर आ गया है। अब जो हमारी मोटर है वो स्क्रूलेस हो गई है, तो अब हमें इस ब्रैकेट को स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोलना है। तो ये दोस्तों, ये हमने पहले हल्की हल्की चोट इसमें मार ली थी एक बार ही, क्योंकि स्टे में बहुत ज्यादा हार्ड हो रहा था, वीडियो काफी लंबी हो जाती, तो हमने हल्का हल्का खोलने के बाद इसको यहां से एक, और दोस्तों ये इसका, ये दोस्तों ये इसका टॉप निकल गया है। अब दोस्तों इसके अंदर है, मैं आपको ये इसका ग्रिल निकाल के दिखा देता हूं। ये दोस्तों इसका बैरिंग है, ये आप देख सकते हो। तो ये यहां से ये भी इस तरीके से निकल जाएगा। ये दोस्तों आप देख सकते हो ये निकल गया। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हो, ये इसका है आर्मेचर जो रनिंग करता है, जिसके अंदर हम, इसमें दोस्तों आपको बुश नहीं मिल रहा है। इस वाली सिम्फनी स्ट्रॉम 70i की मोटर में या 100i में भी कॉमन होती है मोटर, थोड़ा बहुत फर्क होता है। तो अगर इसमें अगर बुश मिल रहा है आपको, तो उसमें भी आपको बुश ही मिले, ओ बैरिंग ही मिलेगा अगर इसमें बैरिंग है। तो आप देख सकते हो बैरिंग इसके एकदम फ्री चल रहे हैं, जैसा कि आप ये देख सकते हो। इसका मतलब ये कि हमारी मोटर यहां तक ठीक है। अब इसको हम रख देते हैं साइड में। अब बात कर लेते हैं हम इसके मोटर के अंदर की। तो दोस्तों जी हाँ, ये 100% कॉपर है, ये आप देख सकते हो, ये 100% कॉपर की मोटर है, ये आप देख सकते हो यहां से ये। जी हाँ दोस्तों, ये 100% कॉपर है। लेकिन अब हम इसको बंद करने से पहले इसमें थोड़ी सी ऑयलिंग दे देंगे, ताकि हमारी मोटर आगे फ्री चले। तो ऑयलिंग कैसे देनी है वो आप ध्यान से देखना। ये दोस्तों इस तरीके से कुछ ऑयलिंग देनी है, जो इसकी जो अंदर प्लेटें लगी हुई हैं, ये आप जो देख सकते हो अंदर प्लेटें हैं, तो इनमें प्रॉपर जाए ऑयल। अब दोस्तों हम इसको फाइनली हम बंद कर लेंगे। ऑयल देने के बाद अब हम इसको बंद कर लेंगे। बंद करने का भी सिंपल प्रोसेस है, आपको ये आर्मेचर इसका निकाल के इसके अंदर, इसके रोटर के अंदर ऐसे डाल देना है। ये आप देख सकते हो ये आर्मेचर इसके अंदर जा चुका है। फिर इसका ये टॉप उठा के हमें इसको यहां पे रखना है। दोस्तों ये ध्यान रखना, जो इसमें होल्स बने हुए हैं ये आप देख रहे हो, 1, 2, 3 और ये 4, तो और जो ये मोटर में होल है ये दोनों बराबर ही आने चाहिए, तभी हमारे जो लंबे वाले स्क्रूज थे ये वाले, ये जब भी बैठ पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें सिंपल से ही ऐसे इसको बिठा के लगा देना है। ये दोस्तों लग चुका है जैसे आप देख रहे हो। अबे दोस्तों पूरा टाइट कैसे होगा वो भी मैं आपको बताता हूं। जब आप इसमें एक स्क्रू डालोगे अंदर, तो एक स्क्रू आपका जैसे यहां से बाहर निकलने लग जाएगा, जितना आप इसको टाइट करते जाओगे उतना ही दोस्तों ये जो आप गैप देख रहे हो, ये वाला ये गैप आपका उतना ही टाइट होता चले जाएगा। मैं आपको ये भी करके दिखा देता हूं। तो हम ये ले लेते हैं, और दोस्तों ऊपर से हल्का सा इसको ऐसे चोट मार लेनी है, ताकि वो अंदर स्क्रू बैठ जाए। अब ये हम प्लास की मदद से इसको
यहाँ से टाइट कर लेते हैं।